मैं दिलीप कुमार आज अपने YouTube चैनल पे आगे का काम कर रहा हूँ। आगे जो मैं अब इससे पहले वीडियो में हमने 10 या 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, इसे बस पीछे वाले वीडियो में इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री में दे रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 degree by 1 plus tan square 30 degree। इसका ऑप्शन दिया हुआ है इस्टार। तो इसमें देखिए आपको हमने क्वेश्चन ये है कि 2 tan 30 degree by 1 plus tan square 30 degree, इसका ऑप्शन साइन 60 degree, बी ऑप्शन कॉस 60 degree, सी ऑप्शन साइन 30 degree और कॉस 30 degree। तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिए और सॉल्यूशन करने के बाद जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ठीक करेंगे। देख लीजिए क्या है इसका ऑप्शन क्या होगा। ये चार ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में चार ऑप्शन दे रखा है, आपको सॉल्यूशन करके ये कौन सा ऑप्शन होगा वो देखना होगा। इसमें देख लीजिए 1 plus tan square 30 degree, तो 2 into tan 30 degree का वैल्यू आप जाइएगा 1 by root 3 by 1 plus 1 by root 3 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 by root 3 by 1 plus 1 by root 3 गुने root 3 equal to 3 होता है। आपको इसे पहले कितनी बार बताए हैं आपको कि रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कीजिएगा 2 by root 3 by, अब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपको 4 by 3। अब इसको 3 by 4 2 root 3 by में मतलब 3 by 2, ये अब ये root 3 by 2 आपको ये देखना होगा कि एक ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है। अब देख लीजिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू root 3 by 2 होता है, और इसमें और किसी का होता है cos 30 degree। तो इसमें आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन ये और ये दोनों मैच करता है, मीन्स इसमें आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इसमें एक से ज़्यादा आप किसी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इसमें कितने सारे सही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप जैसे देख लीजिए इसका भी root 3 by 2 होता है, sin 60 degree equal to आप जानते हैं cos 30 degree। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों का वैल्यू root 3 by 2 होता है, इसीलिए इसमें दोनों ऑप्शन होगा। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन एक है जो आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन है कि 1 minus tan square 45 degree by 1 plus tan square 45 degree। अब इसका ऑप्शन दे रखा है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है cot 90 degree, बी ऑप्शन है sin 0 degree, सी ऑप्शन है cos 90 degree और डी ऑप्शन है cos 0 degree। इसका मतलब ये है कि cot 90 degree, इसका मतलब है कि tan 0 degree का वैल्यू cot 90 के इक्वल होगा। तो इसमें देख लीजिए cot 90 degree का वैल्यू आप जानते हैं कि tan 0 equal to cot 90 हो सकता है, तो आप यहाँ देख लीजिए cos 0 tan 0, तो इसका भी 0 होता है तो इसका भी 0 होगा। इस तरीके से sin 0 0 आप जानते हैं sin 0 equal to 0, और sin 0 के बराबर होता है cos 90, sin 0 degree के बराबर होता है cos 90 degree, मतलब इसका भी 0 तो इसका भी 0। अब बस गया cos 0, तो मतलब कि cos 0 का मान 1 होता है। तो अब इससे मतलब कि इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, बस इसका जो डी ऑप्शन है उसका 1 है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं इसका क्या वैल्यू होगा। 1 minus tan square 45 degree by 1 plus tan square 45 degree। अब देख लीजिए यहाँ 1 minus tan 45 degree का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर by 1 plus 1 का स्क्वायर, मतलब
वन माइनस वन बाई वन प्लस वन मतलब जीरो बाई टू, जीरो में किसी चीज़ से भाग देते हैं तो वो जीरो आता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको हमने बताया था कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं, तो इस तरीके क्वेश्चन होते हैं जैसे इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको दो आंसर मैच किए थे, तो आप इसमें भी देख सकते हैं जैसे कि कॉस 90 डिग्री है, साइन 0 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री है, यहाँ कॉट 90 डिग्री था और यहाँ कॉस, तो ये तीनों का कॉट का भी जीरो डिग्री जीरो होता है, 90 का वैल्यू, साइन का भी जीरो होता है और कॉस 90 का भी जीरो होता है, तो ये तीनों मैच कर रहा है, तो इसके थ्रू आप ये तीनों ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ये आपने यहाँ सॉल्यूशन किया तो इसका आंसर जो है वो जीरो आता है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो जीरो होगा और ये तीनों ऑप्शन मैच करेगा। इसमें दे रखा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, जिसमें आपको सत्य होगा यदि a बराबर हो। तो अब इसमें आप चेक करके देखिएगा कि a का वैल्यू कौन सा होगा जिसमें दोनों इक्वल होगा। अगर हम a की वैल्यू पहले बार में जीरो लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, साइन 2a इक्वल टू साइन a। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं a की वैल्यू 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, मीन्स अब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। अब देख लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और इसका भी 0 होता है, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए दूसरा हम मैच करके दिखाते हैं आपको, दूसरा में क्या होगा, अगर हम a की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, मीन्स यहाँ साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, मीन्स रूट 3/2 इक्वल टू 1। क्या ये प्रूफ हो ऐसा होता है, ये तो होगा ही नहीं इसके बराबर, ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। फिर 45 डिग्री का वैल्यू लेकर चेक करते हैं, अगर a की वैल्यू आप 45 डिग्री लीजिएगा, हमें ये दोनों को प्रूव करना है कि अगर a की वैल्यू लेते हैं तो हमारा दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो a ऑप्शन में मैच किया है बट b ऑप्शन जो है मेरा मैच नहीं किया, क्योंकि आप देख लीजिए LHS में दे रखा है रूट 3/2 और रूट 3/2 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, आप जानते हैं मैथमेटिकल टूल के थ्रू। तो आप ये 45 डिग्री का वैल्यू लेकर चेक करेंगे तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री, 45 हमें रखना है, तो साइन 2 इंटू 45 इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से लीजिएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 गुने साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। अब इसको आप इससे काटिएगा तो ये रूट टू मतलब कर जाएगा और ये जो हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, तो क्या 1√2 के बराबर होता है, ये भी मैच नहीं करेगा। और इसका डी ऑप्शन देख लीजिए, साइन 2a इक्वल टू साइन a, अगर हम a की वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा साइन 120 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। तो आप इसमें देख लीजिए साइन 120 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू रूट 3/2, क्या साइन 90 से एवं 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये इंक्रीज करता ही जाता है, लेकिन बट यहाँ पे देख लीजिए ये रूट 3, क्या साइन 120 डिग्री का वैल्यू रूट 3 के बराबर होगा। अब इसको आप ग्राफ से देख लीजिएगा तो आपको ये बहुत आगे बट ये इसके बराबर नहीं होगा, आप देख एक बार चेक करके देखिएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो RHS और LHS दोनों इक्वल हो रहा है, इसके बाद जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है,
इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए के लिए सत्य होगा यदि ए की वैल्यू होगा, तो ए की वैल्यू अगर जीरो होता है तो हमारा दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपको जिसमें दे रखा है कि कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस ए, इससे पहले ही क्वेश्चन के तरह है यह क्वेश्चन, इसमें भी आपको ए की वैल्यू के बारे में, तो इसमें दे रखा है कि कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस ए, इसमें आप ए की वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, दोनों इक्वल होगी। तो इसमें देख लीजिए, अब ये जीरो दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और कह रहा है कि इसमें से कोई नहीं है जिसके ये LHS और RHS को बराबर कर सके। तो आप देख लीजिए वैल्यू रखते हैं, अगर ए की वैल्यू जीरो लेते हैं तो कॉस टू इंटू ए की वैल्यू है हमने जीरो ले रखा है, जीरो इक्वल टू टू कॉस जीरो डिग्री, मीन्स आप देख लीजिए कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि टू इंटू मल्टीप्लाई जब होगा तो ये जीरो होगा, इक्वल टू टू और कॉस का हमें पता है कि कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन होता है। तो अब देख लीजिए ये वन इक्वल टू टू, क्या ये संभव है? नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जब आप दूसरा ऑप्शन मतलब कि आप ए की वैल्यू 30 डिग्री लीजिएगा, ए की वैल्यू जब आप 30 डिग्री लीजिएगा तो कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस ए, तो इसमें दे रखा है आपको कि ए की वैल्यू आपने जब ए की वैल्यू 30 डिग्री रखिएगा, तो आप देख लीजिए कॉस टू इंटू 30 डिग्री इक्वल टू टू कॉस 30 डिग्री, मीन्स कॉस 60 डिग्री इक्वल टू टू मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? √3/2। क्या अब ये जो है वो 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, अब क्या ये इसके बराबर होगा? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और हम चेक करते हैं सी ऑप्शन दे रखा है कि कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस ए, जब ए की वैल्यू आपने 45 डिग्री लीजिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री लीजिएगा, तो कॉस टू मल्टीप्लाई 45 डिग्री इक्वल टू टू कॉस 45 डिग्री, मीन्स कॉस 90 डिग्री इक्वल टू टू मल्टीप्लाई 1/cos 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। क्या ये √2 जीरो के बराबर होता है? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आपने तीनों ऑप्शन को चेक करने के बाद आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी होगा, मतलब इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब आपने अपने जीरो का भी देख लिया, 30 का भी देख लिया और 45 का भी देख लिया, तीनों का आपने पहला ऑप्शन जो देखा उसमें 1 = 2 दे रखा है, और दूसरा ऑप्शन जो है 1/2 = √3 देख रखा है, और सी ऑप्शन जो है वो जीरो के बराबर रख रखा है √2। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। तो आप एक क्वेश्चन ये देख ले लीजिए, जहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री बराबर है इस ऑप्शन के, तो देख लीजिए 1 - tan² 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 - 1/√3² मीन्स 2/√3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए 2/√3 × 3/2, तो अब ये जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 1/, यहाँ से √3 चला जाएगा, मतलब कि √3। तो इसका जो कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, कि ये √3 का ऑप्शन कौन सा होगा, तो अब इसमें देख लीजिए tan 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कि 1/√3 होता है, अब ये 1/tan 30 डिग्री का वैल्यू करके दे रखा है, तो आप देख लीजिए कि जब 1/√3 कीजिएगा तो ये √3 ही होगा। तो एक बी ऑप्शन लेते हैं और आगे भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये √3 और यहाँ दे रखा है कि cos 60 डिग्री, तो 1/2 मीन्स √3/2, ये तो होगा ही नहीं, और डी ऑप्शन दे रखा है क्योंकि हमें 1/√3 है, सीधे हम जो है वो √3 है, ऑप्शन हमारा जो यहाँ आया है वो √3 आया है। अब यहाँ देख डी ऑप्शन चेक करते हैं, साइन 60 डिग्री / साइन 30 डिग्री
मीन्स आप यहाँ जब कटिए कीजिएगा तो रूट थ्री बाई टू बाई वन बाई टू, और रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाई टू बाई वन, मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू रूट थ्री आता है, इसके कारण आपको बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों होगा। ये इसका जो होगा पांचवा क्वेश्चन जो फाइव नंबर, देखिए इसमें जो ये सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस लड़के देख करके थोड़ा सा, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको इसमें एक थोड़ा सा परिमेयकरण करना पड़ जाता है। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपको दे रखा है वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बी ऑप्शन दे रखा है वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और सी ऑप्शन दे रखा है टेन थीटा, और डी ऑप्शन दे रखा है कॉट थीटा। तो आप इसमें वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा, आप कह रहे होइएगा कि ये जो आपने कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जो परिमेयकरण का रूल होता है कि नीचे वाला जो है वो साइन चेंज कर जाता है ऊपर जाने के बाद, अगर आप ऊपर के लिए परिमेयकरण कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, और अगर नीचे के लिए कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज कर जाता है। हमने पहले बार में ऊपर के लिए किया, फिर दूसरी बार में हमने क्या कर दिया वन प्लस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा। अब देख लीजिए यहाँ भी इक्वल दोनों हैं, तो पहले हम देखिए, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, इसमें किसी एक के लिए परिमेयकरण करते हैं तो हमें ये हटाना पड़ेगा, हम ऊपर के लिए बस करें। तो आप इसका देख लीजिएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मीन्स आप इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, आप देख लीजिए इसमें आपको इससे पहले बार में थोड़ा सा हमने गलती कर रखा था, अब हमने उसको चेंज किया है। यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन आपको वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा, आप जब आप ऊपर के लिए कीजिएगा तो ऊपर के लिए हमने इसे पहले बताया था, बट अब नीचे के लिए कीजिएगा तो ये नीचे का साइन चेंज हो जाता है, तो वन प्लस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, आप इसके लिए कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी दो दे रखा है, तो आप यहाँ कर सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि अगर दो गो होता है तो रूट में से एक निकल जाता है, तो वन प्लस कॉस थीटा बाई यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, रूट में साइन स्क्वायर रहेगा तो बाहर निकल जाएगा साइन थीटा, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा इसमें। अब इसमें दे रखा है आपको कि वन बाई वन माइनस साइन अल्फा प्लस वन बाई वन साइन अल्फा, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा वन प्लस साइन अल्फा वन माइनस साइन अल्फा। तो आप इसे यहाँ दे लीजिएगा तो ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस साइन अल्फा प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, अब जब एलसीएम लीजिएगा तो प्लस हुआ तो वन माइनस साइन अल्फा। तो इसमें आप देख लीजिए कि आप जब इसका एलसीएम लेने के बाद आप इसका कैलकुलेशन कीजिए तो देख लीजिए वन प्लस साइन अल्फा प्लस वन माइनस साइन अल्फा, मीन्स ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जब ए माइनस बी और ए प्लस बी का, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे बैठ रहा है, तो आप यहाँ कर दीजिएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ टू बाई साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, मीन्स आप इसको लिखिएगा तो टू सेक स्क्वायर अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन भी कुछ दे रखा था बट इसमें नहीं हो पाया, इसके अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, जिसके लिए आपको थैंक यू
और मेरा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा वीडियो लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।